हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मनु सिंह, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सेस कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सर का शेड्यूल मिल चुका है हम लोगों को, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन टाइम निकाल के ले लिए हैं जो यूजर्स के आ रहे थे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस, उसमें से आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और सबके क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम। और सर का लाइव सेशन भी हम लोग सोच रहे थे करने को, सारी चीज़ें फ्यूचर में होंगी। सो आज का जो क्वेश्चन है वो सर से पूछते हैं और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी है वो आप तक पहुंच सके। तो सर से पहला क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मुन्ना कुमार सिंह ने पूछा है। सर इनका क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है ये आपका, हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की हुई है और लोअर कोर्ट में इनका हाई कोर्ट में अपील किया है और लोअर कोर्ट में उसका फाइनल के लिए फाइनल चल रहा है। तो क्या करें कि लोअर कोर्ट में उस केस पे स्टे हो जाए? मतलब इनका केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा है और ये लोअर कोर्ट में स्टे चाहते हैं, क्या करें उसके लिए? मतलब दोनों का केस चल रहा है। जब सुपीरियर कोर्ट में कोई केस पड़ जाता है, जैसे लोअर कोर्ट में कोई इशू बना, अमूमन ऐसा होता है कोई इशू बना, लोअर कोर्ट पे उस पर डिसीजन हो रहा है, ठीक है, या कोई डिसीजन हुआ आंशिक रूप से, उसको लेकर वो अपील में हाई कोर्ट चले गए या सुप्रीम कोर्ट चले गए, किसी भी कोर्ट पे जा सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको सुपीरियर कोर्ट से ही प्रोसीडिंग स्टे करानी चाहिए। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो अगर वो सुपीरियर कोर्ट में जो अपील या निगरानी या रिट जो भी डालते हैं उसकी कॉपी अगर लोअर कोर्ट को दे देंगे तो वहां प्रोसीडिंग अपने आप रोक दी जाएगी। वो नैतिकता के आधार पर लोअर कोर्ट इतना जो है, इतना तो समझ रखते हैं लोग कि जो सुपीरियर कोर्ट की कॉपी भी अगर लोअर कोर्ट में लग जाएगी तो वहां कार्यवाही रुक जाएगी। तो मेरे लायक दोस्त जो उन्होंने दिया है कि सर इसके लिए हम क्या करें, उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो जो सुपीरियर कोर्ट में उन्होंने अपील रिवीजन या रिट जो भी डाला है वो वही आर्गुमेंट करावे कि लोअर कोर्ट के प्रोसीडिंग रोक ली जाए। अच्छा, ठीक है, और उसकी कॉपी लाके यहां पे सबमिट करने का। अगर इनके सुपीरियर कोर्ट स्टे नहीं कर रही है, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं रुक रही है, तो उसकी कॉपी लाके लोअर कोर्ट को सूचित कर दें कि वहां पे केस चल रहा है। नैतिकता के आधार पर लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग रोक देती है और या फिर डेट लगाते रहते हैं लोग, सुपीरियर कोर्ट के आदेश का इंतजार करती लोअर कोर्ट। ये आम तौर पर व्यवहार में यही आता है ना, इसलिए इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कोर्ट पे पैरवी करें, कहीं से इनको न्याय मिल जाएगा। तो मुन्ना कुमार सिंह जी, आप शायद इस आंसर से सेटिस्फाई होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो ये मोहम्मद अशरफ का है। इन्होंने पूछा है कि ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें जिससे हम लोग गवर्नमेंट लॉयर बन सके। देखिए, सबसे पहले ट्वेल्थ के बाद या तो आप ग्रेजुएशन करें, तो आप LLB कर सकते हैं, है ना, बैचुलर कम से कम डिग्री होनी चाहिए, और या इंटर के बाद डायरेक्टली LLB करें, तो उसमें 5 ईयर का कोर्स है ना, उसमें कंपटीशन वगैरह करना पड़ता है, बड़ा टफ है वो, थोड़ा टफ होता है इंटर फिर जो एग्जाम है ना, वो थोड़ा टफ होता है और वो 5 साल का है, लेकिन वो व्यवसायिक उसमें बहुत काम आता है। ओके, है ना, तो अगर इंटर से कर लेंगे तो जरूर ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा सर, तो क्या ये मतलब LLB की डिग्री होना जरूरी है? हाँ, अगर अगर आप लॉ कोर्सेज में APO का है ना जितने एग्जाम है, या आप मुंसिफ मजिस्ट्रेट का जुडिशियल एग्जाम जो है ये अगर आप देते हैं तो इसके लिए लॉ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक, और तो शायद आप इस आंसर से सेटिस्फाई होंगे। सेटिस्फाई क्या मतलब, करेक्ट चीज यही है सर ने जो बताई, इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको अगर लॉयर बनना, तैयारी करनी पड़ेगी, LLB आपको क्लियर करना ही पड़ेगा ट्वेल्थ के बाद, तभी आप सरकारी वकील हो सकते हैं, क्वालिफाई किसी तरह के, है ना, उसकी मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन की ये रिक्वायरमेंट तो होगी। हाँ, बैचलर होना जरूरी है। अब ये ब्रजेश कुमार सिंह का नहीं, सॉरी ये सिंह नहीं है, ये ब्रजेश कुमार है। इनका क्वेश्चन आया है, सेक्शन 227 इज रिलेटेड टू द डिस्चार्ज एंड 323 इज रिलेटेड टू द एक्विडल, बोथ आर डिफरेंट थिंग,
ये इनका क्वेश्चन मेरे ख्याल से आधा अधूरा है, तो क्या सर आपके समझ में आ रहा है? हाँ, जो इन्होंने कहा क्या है 227? हाँ, 227 इज रिलेटेड टू द डिस्चार्ज एंड 323 इज रिलेटेड टू द एक्विडल। तो 227 जो है ये सेशन कोर्ट का है, है ना, सेशन कोर्ट को इसमें डिस्चार्ज करने का अधिकार है, है ना। वो वहां जो अपना पेपर दाखिल करके, और अगर सुपीरियर कोर्ट सेशन कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो वहां प्रोसीडिंग ड्राफ्ट करती है ना, चार्ज खत्म कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है केस को। तो ये 227 में होता है जी, ठीक है जी। और 223 जो है ये मजिस्ट्रेट कोर्ट पे है, लोअर कोर्ट में। ये जब मजिस्ट्रेट को किसी भी ट्रायल के समय अगर लगता है कि उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है ये ट्रायल सेशन कोर्ट में होना चाहिए, तो वो उसको क्या करते हैं, उसको सेशन कमिट कर देते हैं ना, सेशन कोर्ट को भेज कर एक आदेश लिख के और पत्रावली वहां ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये है 223, ठीक है, बस यही इतना अंतर है। और अगर मेरे लायक दोस्त इसमें ये भी नहीं लिखते कि आईपीसी है कि सीआरपीसी है, तो थोड़ा जो लोग स्पष्ट लिखें कि किस सेक्शन में, जैसे कोई लिखता है कि फला धारा, तो धारा कौन सी धारा, सीआरपीसी आईपीसी, वो सब क्लियर होना चाहिए, तो हम उसको ज्यादा सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकते हैं जी। तो क्वेश्चन जो भी आप लोग पूछिए वो थोड़े से स्पष्ट पूछिए ताकि आंसर देने में सर को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन दिए हैं, शुरुआत की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे और क्वेश्चंस लेने की और ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई करने की। सो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक्स सर, थैंक फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। प्लीज़ थम्ब अप जरूर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचे। और अगर आप तीनों लोगों का अगर सेटिस्फाई ना हुए आंसर से तो क्रॉस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, पुनः पूछे क्रॉस क्वेश्चन, क्लियर क्वेश्चन पूछे जिससे हम सही जवाब दे सकें जी। और कोशिश करते हैं कि लाइव सेशन के थ्रू सर से आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ पाए। तो थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।